संसद में महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच वार पलटवार का दौर दिखा। राहुल के आरोपों पर अमित शाह ने करारा पलटवार किया। द 90 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 पीपल सेक्रेटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आई आस्क मायसेल्फ द क्वेश्चन, how many of the 90 people come from the obc community? and I was shocked and shattered by the answer. maine ye sawal pucha ki ye jo 70 secretary hain, 90 secretary hain, ye jo hindustan ki sarkar ko chalate hain, jo budget ko chalate hain, in mein se ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश लोग जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर, और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं।